हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन खत्री। मेरा चैनल सुमन किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीड़दे की फेमस तटे इडली और साथ में चटनी भी बनाऊंगी जो बीड़दे की बहुत ही फेमस है। साउथ में ये इडली ज्यादा बनाई जाती है और इसे हम प्लेट इडली भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज बीड़दे की फेमस रेसिपी। तटे इडली बनाने के लिए मैं सबसे पहले बैटर भिगोऊंगी। बैटर भिगोने के लिए मैं लूंगी 1.5 कप राइस। ये सेलम वाले राइस ले रही हूँ, 1 कप लिया है। आधा कप और ले लेती हूँ, आधा कप और। हाफ कप लूंगी उड़द दाल, हाफ कप पोहा। अब इन सबको अच्छी तरह से धो लेती हूँ 3-4 बार पानी में। अच्छी तरह से धो लिया है मैंने इनको, अब इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डालकर लगभग 5 से 6 घंटे के लिए हम इसे भीगने के लिए रख देंगे। 5-6 घंटे में ये अच्छी तरह से भीग जाएंगे। 5 घंटे हो चुके हैं, दाल चावल सारे अच्छी तरह से भीग गए हैं। इस तरह से तोड़ रहे हैं तो बहुत ही आसानी से दाना टूट रहा है। इस तरह से अच्छी तरह से भीगना चाहिए। अब मैं इन्हें पीस लूंगी। जार में लेकर इसमें मैं डाल देती हूँ पानी, आधा ग्लास पानी डालेंगे। अब इसे पीस लेती हूँ। बैटर मैंने पीस लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है। नॉर्मल हम इडली की रखते हैं उसी तरह से। अब इस बैटर को मैं एक पतीले में ले लेती हूँ। अब इसे मैं ढक देती हूँ, ढककर लगभग 10 से 12 घंटे के लिए फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। 10 से 12 घंटा हो चुके हैं, मैंने इसे ओवरनाइट फर्मेंट के लिए रखा था। बैटर कितनी अच्छी तरह से रेज हो गया है, अच्छा फुल का डबल हो गया है बैटर, कितना अच्छा एरिएशन भी हो गया है। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ एक बार। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक अब आपके स्वाद के अनुसार डालिएगा। बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया इसलिए मैं सोडा ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपका बैटर फर्मेंट नहीं हुआ है तो 1/2 चम्मच आप बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हो। अब मैं प्लेट इडली बनाना शुरू करती हूँ। प्लेट इडली बनाने के लिए मैंने प्लेट इडली स्टैंड लिया है। ये स्टैंड आपको मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं इडली प्लेट को ग्रीस कर लेती हूँ, ऑयल से ग्रीस करूंगी इस तरह से। सारी ट्रेस में इस तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। ग्रीस करने के बाद मैं एक पॉलीथीन इस तरह से कट कर शीट लगा लूंगी। इस तरह से लगाने से क्या इडली बहुत ही इजीली निकलेगी। अगर आपके पास है तो आप लगाएं, वरना बिना इस पॉलीथीन के भी हम बना सकते हैं इडली। अब इस ग्रीस ट्रे में मैं ये बैटर डाल देती हूँ। पूरा नहीं भरना है हमें, थोड़ा सा आधा रखना है, इतना ही भरना है, पूरा नहीं भरना है। और सीधा मैं स्टैंड में डाल देती हूँ इस तरह से। सारी ट्रे भर लेती हूँ। बंद कर देती हूँ इस तरह से। अब इस इडली ट्रे को मैं स्टीमर में रख देती हूँ। स्टीमर में मैंने पहले ही पानी गर्म करके रख दिया था। अब इसे ढककर लगभग 20 मिनट के लिए मैं स्टीम करूंगी। 20 मिनट हो चुके हैं, इडली बनकर रेडी हो गई है। गैस ऑफ कर लेती हूँ और चेक करते हैं। एक टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल स्मूथली निकल रही, बिल्कुल नहीं चिपक रहा, इसका मतलब इडली अच्छी तरह से स्टीम हो गई है। अब मैं इन्हें डीमोल्ड कर लेती हूँ। अब मैं ये इडली प्लेट में से निकाल लेती हूँ। बहुत ही इजीली निकल जाएगी, देखिए कितनी इजी से निकल गई है। बहुत सॉफ्ट भी बनती है ये इडली, कितनी सॉफ्ट बनी है देखिए। बीड़दे फेमस चटनी बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेती हूँ। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, 2 चम्मच में मूंगफली डाल देती हूँ ग्राउंडनट, 2 चम्मच फुटाने की दाल, रोस्टेड चना दाल। दोनों को अच्छा रोस्ट करते हैं, हल्का कलर चेंज हो जाए जब तक, हल्के से ब्राउन हो जाए जब तक रोस्ट करेंगे। हल्का सा कलर चेंज हो गया है, अच्छी स्मेल भी आ रही है सिकने की। अब डाल देती हूँ 2 चम्मच फ्रेश कोकोनट, ग्रेट कर लिया है मैंने। 4 से 5 सूखी लाल मिर्च तोड़ कर ली है। थोड़ी सी इमली, बिल्कुल थोड़ी सी, 1 चम्मच जितनी।
अब इन सबको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं, फिर से लगभग एक मिनट तक हम पकाएंगे। हल्का सी नारियल और साबुत मिर्ची का कलर चेंज हो जाए जब तक हमें रोस्ट करना है, और अच्छी स्मेल भी आएगी जब रोस्ट होएगा तब। हल्का सी नारियल का और साबुत मिर्ची का कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छी स्मेल भी आ रही है, सारे अच्छी तरह से पक गए हैं, सबका कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया है। अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। एक प्लेट में ले लेती हूँ ताकि जल्दी ठंडे हो जाए। उसी पैन में मैं थोड़ा सी और ऑयल ले लेती हूँ, लगभग एक दो चम्मच। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटा सी प्याज, दो तीन लहसुन की कली, बहुत ही कम लहसुन, अगर आपको लहसुन का फ्लेवर नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हो। एक इंच अदरक का टुकड़ा, अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, अनियन हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए, लहसुन का कलर चेंज हो जाए जब तक फ्राई करेंगे। अनियन का हल्का कलर चेंज हो गया है, लहसुन का भी कलर चेंज हो गया है, इस तरह से अच्छे फ्राई हो गए हैं, ऐसे हमें फ्राई करना है तभी चटनी में टेस्ट आएगा, अगर कच्चा रहेगा तो चटनी का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो पकाना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक टमाटर, एक छोटा बॉल हरा धनिया, आधी चम्मच नमक, नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डालिएगा। सारे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, लगभग एक दो मिनट फ्राई करेंगे। सारे अच्छे से फ्राई हो गए, हल्के टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ, इसे भी एक प्लेट में ले लेती हूँ, अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम पीसेंगे। चटनी का मसाला ठंडा हो गया है, अब मैं इसे एक मिक्सर जार में ले लेती हूँ और पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1/4 कप जितना, अब इसे पीस लेती हूँ अच्छी तरह से, बिल्कुल फाइन पीसना है। चटनी मैंने पीस ली है इस तरह से, अच्छी फाइनली पीस ली है। एक बाउल में ले लेती हूँ चटनी को। कंसिस्टेंसी आप आपके इच्छा के अनुसार पतली या थिक कैसे भी रख सकते हो, पतली रखनी है तो थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। और अब इस चटनी में हम तड़का लगाएंगे, तो तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, आधी चम्मच राई डाल दूंगी, एक सूखी लाल मिर्च और 8-10 कड़ी पत्ते, अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। एक चुटकी हींग, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बस तड़का बनकर रेडी हो गया है, मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ, ये तड़का चटनी पर डाल देती हूँ। बस रेड चटनी बनकर रेडी हो गई है। भिड़ती फेमस प्लेट इडली और चटनी बनकर रेडी हो गई है, अब मैं इनकी सर्विंग कर लेती हूँ। प्लेट इडली की मैंने सर्विंग कर ली है चटनी के साथ। आपको ये प्लेट इडली और भिड़ती फेमस चटनी कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरा वीडियो देखकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।